हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में और मेरे बगीचे में आप सभी को स्वागत है। आज मैं एक अनोखी टॉपिक लेके आई हूँ। इस गुड़हल के पेड़ के बहुत प्रीमैच्योर बर्ड फॉल्स हो रहे हैं। देखिए कितने सारे बर्ड फॉल हुए हैं। ये कलियाँ कोई कारण नहीं गिर जा रहे हैं इस पौधे से। गुड़हल के ये बहुत खतरनाक एक बीमारी है, प्रीमैच्योर बर्ड फॉल। बस आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कारण है, किस कारण के वजह से ऐसे प्रीमैच्योर बर्ड फॉलिंग होता रहता है। हमारे यहाँ कुछ दिनों से अल्टरनेटिवली बारिश और धूप और बारिश ऐसे हो रहा है। कुछ दिन, दो दिन ऐसे बहुत तेज धूप रहा, फिर शाम को अचानक बहुत जोरों की बारिश आ गई। ऐसे हो सकता है कि क्लाइमेटिक चेंज के लिए, अचानक ऐसे वेदर चेंज के लिए हो सकता है कि प्लांट के ऊपर असर हो। लेकिन पास ही में मेरे बहुत सारे ऐसे गुड़हल के पेड़ हैं, उनमें ऐसे कोई तनाव नहीं है। हर एक टहनिया में देखिए कैसे कली खिले हैं, बहुत सारे कली हैं, और ये सभी कलियाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही सुंदर ऐसे हर एक टहनिया में खिले हुए हैं। कभी कभी बर्ड फॉल ओवर फर्टिलाइजेशन की वजह से भी होता है, लेकिन मेरे हर एक गुड़हल के पौधे, इनके ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, तो मैं इन्हें फर्टिलाइज अभी तो नहीं किया है। मैं इन सभी प्लांट्स को फर्टिलाइज किए थे करीब 2 महीने पहले, क्योंकि तब इनके फ्लावरिंग शुरू हुए थे। उसी वक्त मैंने इनको फर्टिलाइज किए थे। मैं तो वैसे केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं इन्हें सरसों की खली लिक्विड फर्टिलाइज़र डाली थी, और हर एक लीव्स आप देखिए कैसे ग्रीन है। इनके लीव्स बिल्कुल फ्रेश हैं, इनके बड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन मेरे वो गुड़हल के पेड़ कैसे बर्ड फॉलिंग हो रहे हैं। बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मुझे पता चले किस लिए ये बर्ड फॉल हो रहे हैं। बस मैं बागवानी में, मुझे बहुत ही पेशेंस है। मुझे मालूम है कि गार्डनिंग के लिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। ये मेरे और एक गुड़हल के पेड़ हैं, देखिए इनका बर्ड फॉल कैसे हुआ है। इनका भी ऐसे बर्ड फॉल हो रहा है। इस प्लांट में तो बहुत ही बर्ड फॉल हो रहा है। बर्ड फॉल की एक मेन वजह होती है एफिड अटैक्स या थ्रिप्स, ऐसे माइट्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जो कि पूरे बर्ड्स में इनके सिस्टम के अंदर घुस के पूरे इनके सैप को खा लेते हैं। हम लोगों को बाहर से पता ही नहीं चलेगा कि थ्रिप्स ऐसे बर्ड्स में जाके टोटल इनके न्यूट्रिशन को ख़राब कर देते हैं, इनके पूरे सिस्टम को ख़राब कर देते हैं। इमिडाक्लोप्रिड एक मेडिसिन है जो कि ये सिस्टम के अंदर जाके टोटल ये थ्रिप्स और माइट्स को इनकी विनाश करते हैं, तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं कुछ दिन और वेट कर रही हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ कि इनके फ्लावरिंग हो सकता है। तो देखिए ये लीव्स कैसे कर्ल हो गए हैं, लीव्स कर्ल हो गए हैं ऐसे। ये प्लांट तो बहुत ही अफेक्टेड है बर्ड फॉल की वजह से। तो कुछ दिन मैं इंतज़ार करती हूँ, देखती हूँ, नहीं होने से मैं इन पे इमिडाक्लोप्रिड छिड़कूंगी। गुड़हल के पेड़ पूरे सनलाइट में ग्रो करते हैं बहुत अच्छी तरह। इनको चाहिए हमेशा फुल सनलाइट, 4 या 5 घंटे के लिए। वैसे तो पॉट्स में कोई भी प्लांट को स्कॉर्चिंग हीट ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन गुड़हल के पेड़ आप फुल सनलाइट में रख सकते हैं, ये पूरा तेज़ी धूप सह लेते हैं। मैंने इस पेड़ को प्रूनिंग किया है, देखिए कैसे पत्ते निकल आए हैं, ब्रांचेस। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कुछ दिनों बाद मिलते हैं, देखते हैं कि फ्लावरिंग होता है कि नहीं।
हेलो फ्रेंड्स, फिर वापस आ गए 9 दिन बाद। मैं छत पे आते ही आज देखी कि बहुत सारे फूल खिले थे वही गुड़हल के पेड़ में, जिसमें बड फॉलिंग हो रहा था, तो मेरा मन बहुत ही खुश हो गया। मैंने जब यहाँ पे छत पे आके देखी कि इतने सारे फूल खिले थे, बिना कुछ मेडिसिन स्प्रे करते हुए इसमें बड फॉलिंग बंद हो गई। गार्डनर्स के लिए और प्लांट लवर्स के लिए ये एक चैलेंज है कि बिना कोई मेडिसिन स्प्रे करते हुए ऐसे बड फॉलिंग बंद हो गए और फ्लावरिंग शुरू हो गए। गुड़हल के लिए ऐसे बड फॉल्स बहुत ही खतरनाक है। ये गार्डनर्स के लिए आमतौर के लिए एक बड़ी ही प्रॉब्लम है। गार्डनर्स को, जो लोग ये गुड़हल के पेड़ के बारे में जानते हैं, ये एक बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं होगा कि मेडिसिंस ना डालते हुए आपके बड ड्रॉप्स ऐसे बंद हो जाएंगे। मेरे और एक गुड़हल के पेड़ हैं जो मैंने कुछ देर पहले दिखाई थी, उस पेड़ में तो शायद मेडिसिन डालना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें फ्लावरिंग अभी तक नहीं हो रहा है। दिन ब दिन बड ड्रॉप्स होते जा रहे हैं। तो ये थी मेरी बड फॉलिंग की कहानी, मेरे ये दोनों पेड़ों में, गुड़हल के पेड़ों में। अभी जाने का वक्त हो गया है, तो फ्रेंड्स, आप अपने बगीचे को बहुत सहराइए, इन्हें बहुत अच्छी तरह रखिए। ये मॉनसून के दिनों में बागवानी बहुत अच्छी तरह से कीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरे ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप ज़रूर इस पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।